हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में हमें कौन सा खाद यूज़ करना चाहिए अपने पौधों पर, ताकि हमारे पौधों को ठंडक मिले और गर्मी का असर कम से कम पौधों पर हो। गर्मी के दिनों में रासायनिक खाद का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, पौधों को जला भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये है वर्मी कम्पोस्ट। वर्मी कम्पोस्ट को मैंने 30 से 35 लीटर पानी में 2 किलो वर्मी कंपोस्ट डाला है इसमें, और इस तरह से ओवरनाइट रख दिया था 12 घंटे के लिए, ये देखिए। और इसे बहुत अच्छे से इस तरह से लिक्विड फॉर्म में मैंने बना लिया है। पौधे पर इस तरह से डालें गर्मी में तो तुरंत हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है और पौधों को ठंडक भी देता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको टी बना लेनी है और पौधे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल देना है। सारी पौधे में मैं डालने वाली हूँ। वर्मी कंपोस्ट में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्मी कंपोस्ट के यूज़ से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और जल धारण करने की जो क्षमता होती है मिट्टी की, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। पानी को सोख करके रखने की क्षमता बढ़ जाती है और मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करने के बाद हमें बार बार इसमें खाद डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, बहुत काफ़ी दिनों तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लिक्विड ही करें, लेकिन लिक्विड फॉर्म में यदि आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके पौधे को तुरंत ही रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा और इसमें एक तरह से ठंडक बनी रहेगी पौधे में। यदि आप इस तरह से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट का 2 चम्मच एक पौधे के लिए बहुत होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, उसके बाद ही आप खाद दें। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे पौधे की गुड़ाई एक दिन पहले कर ली थी और इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि पौधे की बिल्कुल जड़ तक तुरंत ही खाद पहुँचे और तुरंत ही ये काम करना शुरू कर दें। ये देखिए, पौधे को पोषक तत्व तुरंत मिलता है इस तरह से यदि हम डालते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म में थोड़ा समय लगता है। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हम हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे फूल वाले पौधे हो या फिर फल वाले पौधे हो, इंडोर पौधे हो, आप सब पर इसे डाल सकते हैं। शो प्लांट आपके पास है, ये देखिए इस तरह का, तो मैं सारे ही पौधे पर यहाँ पर डाल रही हूँ। सब्जियों वाले पौधे हो या फिर फल वाले पौधे हैं, भाजियाँ हों या फिर कोई भी पौधे हो, सब पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये रासायनिक जो खाद होती है उससे काफ़ी अच्छी होती है और सस्ती भी होती है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।